मेरे पास टाइम नहीं है, चंद मिनट है, मैं अपनी एक खास आपकी खिदमत में मारूजा अपना पेश करके आज की गुफ्तगू को मैं तमाम करूँगा। नाज़रीन, गुज़श्ता माह हमने हिदायत टीवी की मैनेजमेंट से और डायरेक्टरशिप से इस्तीफ़ा देकर मुस्ताफ़ी हुए हैं, तो हमारे इस्तीफ़ा को लेकर कुछ लोगों ने चीमी गोइयाँ शुरू कर दी, कुछ लोगों ने शायद उसको गलत रंग देने की कोशिश की है। मैं चाहूँगा कि आज इसकी वजाहत कर दूँ, और वजाहत भी इस तरह के आप थोड़ी सी तवज्जो हकीर की इन चंद बातों पर दें। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल से हिदायत टीवी, उस वक्त जबकि किसी भी टीवी का वजूद नहीं था, ये किसी के मुकाबिल में या अपने किसी नाम नमूद या अपने किसी दुनियावी मफाद को लेकर के शुरू नहीं किया था। हमने खालिस अल्लाह की रज़ा की खातिर, ज़रूरत की बुनियाद पर, अल्लाह और उसके रसूल के दीन की सही मानों में तबलीग और तरवीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ करने की हिम्मत की, और गो के बहुत सारे लोग टीवी के ख्वाब देखते थे, मगर अमल जामा अल्लाह ने तौफीक दी हमको कि हमने इसको शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। और शुरू से हमने ये बात वाजे की थी कि ये चूंकि पब्लिक की अमानत है, लोगों के पैसों से ये सिलसिला हमने शुरू किया है, इसमें हमारा ज़ाती कोई मादी पैसा जो है लगा नहीं है, इसमें अवाम ने दिया है, हम इसको अमानत समझते हैं, और हमारे किसी भी डायरेक्टर को इस बात की इजाज़त नहीं होगी कि इसको अपनी कोई ज़ाती प्रॉपर्टी समझे। और इसी बुनियाद पर हम हमेशा कहते रहे कि नए नए लोगों को आना चाहिए, और ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसकी हिफाजत भी हो, इसको बेहतर से बेहतर आगे लेके जाना भी चाहिए, चलाना भी चाहिए। इल्ज़ाम रखते रहे कि ये दो हैं जिन्होंने कभी भी किसी को आने नहीं दिया या खुद ही बैठ गए हैं, तो मैंने इसमें पहल की है कि चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको इखलास की बुनियाद पर शुरू किया था, हमने इसको बुत नहीं बनाया, हमने इसको अपनी दुनिया का जरिया नहीं आखिरत का तोशा करार दिया था, इसलिए कभी भी कोई भी हमसे बेहतर चलाने वाला आए तो हम उसकी खिदमत में इस अमानत को सुपुर्द करेंगे। हमने इसमें पहल की है, कोई अजूबा नहीं हुआ है। हाँ, आम तौर से लोग जब कोई काम शुरू करते हैं तो वो आखिरी दम तक चाहते हैं कि उन्हीं के इख्तियार में हो, हम उनमें से नहीं रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमें ये जुर्रत भी दी, सआदत भी दी, और हमने महसूस भी किया कि दूसरे लोगों को आना चाहिए, मेरी जगह पर कोई भी आना चाहे उसके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। मज़ीद जो है, मज़ीद इसको आगे ले जाने के लिए आप में से कोई भी दिलचस्पी रखता हो वो ज़रूर तशरीफ़ लाए। याद रखिएगा कि जो बातें आम तौर से हो रही हैं वो सरासर गलत हो रही हैं, कि किसी के साथ कोई झगड़ा है, कोई रंजिश है, कोई ऐसी बात है। देखिए, मैं अपने और अपने खुदा के दरमियान अपने इमाम ज़माना को गवाह करार देते हुए ये बात कर रहा हूँ कि हमारे मेरे किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, और चूंकि कोशिश की है कि अल्लाह की रज़ा के खातिर जो कुछ कर सकें वो करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया है। झगड़े भी दो अहम बातों की वजह से आम तौर से होते हैं, या ओहदे का चक्कर होता है, या फिर पैसे का उसमें कोई चक्कर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे करीब हैं वो जानते हैं कि कभी भी मैंने ओहदे के लिए किसी के साथ जंग नहीं की है, किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, किसी के साथ कोई इख्तलाफ रंजिश नहीं की है। इसकी बेहतरी के लिए अलबत्त ज़रूर हमारे अपने नज़रियात थे और तहफ़ुज़ात थे, मगर कभी भी हमने ओहदे को अहमियत नहीं दी, बल्कि सब जानते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा ओहदे के मामले में हारना सीखा है, क्योंकि हम आखिरत को ज़्यादा अहम समझते रहे। जहाँ तक बात है पैसों की, हमने बारहा कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात को लेकर सुरखरू हूँ, और अल्लाह ने मुझे ये सआदत दी है कि मैं इसको बहुत ही मुतमईन अंदाज में आपके सामने बयान करूं कि अगर इसी वक्त मेरी आंख बंद हो
تو میں ہرگز بیت المال میں خائنین کی فہرست میں نہیں جانے والا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک بھی پاؤنڈ جان بوجھ کر ناجائز ہدایت کا ہی نہیں کسی بھی بیت المال کا, نہ اپنے لیے, نہ اپنی اولاد کے لیے, نہ اپنے خاندان کی کسی فرد کے لیے ہم نے ناجائز استعمال کبھی نہیں کیا. اس لیے ہم مطمئن ہیں, لہٰذا پھر اس پر بھی کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر کیوں؟ ہم نے کہا ایک تو راستہ دوسروں کو دے, دوسرا یہ کہ عملاً میں نے محسوس کیا کہ میری صلاحیتیں واقعاً اجاگر میں نہیں کر سکا ہوں اور میری یہاں پر عملاً کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. الحمدللہ چل پڑا ہے, اس کو اللہ مزید ترقی دے اور اچھے لوگ آئیں اس کو آگے لے کے جائیں. اس میں کسی طرح کی میں نے محسوس کی کہ اب میری ضرورت نہیں رہ گئی ہے. دوسری یہ کہ میری اپنی صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ اور نئے کام جو ابھی تک نہیں کیے گئے یا اس پر کم توجہ دی گئی اس کی طرف میں متوجہ ہوا ہوں. اس لیے ہم نے ایک نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی ہے, سرو انٹرنیشنل اس کا نام دیا ہے, یعنی بین الاقوامی خدمت کا تصور لے کر ہم نے ایک کام شروع کیا ہے. اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم ویسٹ میں رہتے ہیں تو مذہب اہل بیت کو ڈور ڈور دروازوں تک گھروں تک پہنچانے کا کام ابھی تک نہیں کیا. تو ہم ہر شہر میں کوشش کریں گے کہ کچھ جوانوں کی ٹیم تیار ہو, ہمارے پاس پیکیج ہو, مذہب اہل بیت کی صحیح معنوں میں اس کے اندر شناسائی کرنے کا بہترین مواد ہو, وہ ہم لے جائیں اور ان کی خدمت میں پیش کریں, جو اس سے پہلے اس طرح کا کام یا بالکل ہی نہیں ہوا یا اگر کہیں کسی نے کیا بھی تھا تو کافی محدود انداز میں کیا تھا. یہ ہم کرنے چلے ہیں. دوسرا یہ کہ الحمدللہ ہمارے کچھ کام فلاحی ہیں کہ ایک معذور بچوں کے اسکول کا بھی ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے, اگرچہ یہ ہمارے اپنے وطن میں ہے, اس کو بھی ہم چلا رہے ہیں اور ساتھ میں کچھ لکھنے پڑھنے کا کام بھی ہم نے شروع کر دیا ہے. اس طرح آپ کی دعائیں ہمیں درکار ہیں, آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو انشاءاللہ ہم جب تک زندہ ہیں ہم اللہ کے دین کی تبلیغ و ترویج کا کام کرتے رہیں گے. دعا کیجیے گا کہ ہمیں اخلاص, استقامت اور حسن انجام عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.